नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं सड्डा देश। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। कुछ साल पहले जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई थी तो उसे जनता का काफी समर्थन प्राप्त हुआ। इस ट्रेन से यात्रियों का न सिर्फ समय बच रहा बल्कि उन्हें कम पैसे में हवाई जहाज जैसी सुविधाएं भी प्राप्त हो रही है। यही वजह है कि एक के बाद एक नए नए रूट पर वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। अब तक देश में 11 वंदे भारत चल चुकी है जिसमें सबसे हाल में भोपाल से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं। अब पश्चिम बंगाल को वंदे भारत की कई ट्रेनें मिलने वाली हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल को 3 नई वंदे भारत मिलेगी। इन ट्रेनों का रूट हावड़ा से पुरी, हावड़ा से रांची और हावड़ा से पटना होगा। वहीं एक चौथे वंदे भारत जिसका रूट हावड़ा से वाराणसी भी होगी, इसकी सौगात भी पश्चिम बंगाल को मिल सकती है। बता दें कि पिछले साल 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण अरोड़ा के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल को कम से कम 3 और वंदे भारत ट्रेन मिलेगी। अरोड़ा ने कहा कि बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन इस समय 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और हावड़ा वो न्यू जलपाईगुड़ी के बीच यह सिर्फ 3.5 घंटे लेती है। यह ट्रेन हिट हो चुकी है। मिशन रफ्तार के तहत पश्चिम बंगाल के हिस्से में और इसी तरह की हाई स्पीड ट्रेनें मिल सकती है। उन्होंने आगे कहा कि वंदे भारत की 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति का उपयोग करने का काम अभी चल रहा है। उन्होंने आगे कहा, हमें ट्रैक के दोनों किनारे पर बाड़ लगाने के लिए राज्य सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक पूरे ट्रैक से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तब तक ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं चल सकती। बता दें कि हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है जिसने 161 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी हासिल कर ली है। तेज गति से चल रही वंदे भारत के जरिए दिल्ली और मध्य प्रदेश की जनता को काफी राहत मिली। यह ट्रेन 700 किलोमीटर से अधिक का रास्ता सिर्फ 7.5 घंटे में पूरा कर रही है। वहीं अब राजस्थान को भी पहली वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। अजमेर से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन का ऐलान हो चुका है। दोस्तों, लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मिलती सफलता के बाद केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को 3 और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देने की ठान ली है। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन काफी सफल रही जिसके बाद यह फैसला लिया गया है, लेकिन किसके बारे में कोई भी तारीख की पुष्टि नहीं की गई है। अब देखना यह है कि कब तक यह ट्रेन मिल पाती हैं और इन रूट्स पर क्या प्रतिक्रिया रहती है पैसेंजर्स की। दोस्तों, ऐसे ही न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें।